हालात भी इंसान को किस मोड़ पर ले आते हैं जहां कोई बस नहीं चलता। कठपुतली बनकर खुद अपना तमाशा देखने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं बेटा, जानती हूं रिश्ते चोट तो पहुंचाते ही हैं, उनका दर्द भुलाने से और बढ़ता है। मियां बीवी का रिश्ता एक मकबूल रिश्ता होता है, मगर तलाक के पत्थरों से जज्बात कुचल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बुआ? निकाह तो दो लोगों को एक रिश्ते में जोड़ता है और उस एक रिश्ते से और भी कई रिश्ते पनपते हैं, फिर तलाक के बाद उन रिश्तों का क्या? तलाक तो दो लोगों के बीच होता है, फिर उसकी सजा उन रिश्तों को क्यों मिलती है? सजा पाने के लिए कसूरवार होना जरूरी नहीं होता बेटा। बड़ी अजीब दुनिया है ये। खुद के लिए जीने वाले रिश्तों की परवाह कब करते हैं? और हम औरतों की कहानी, निकाह में तीन बार कबूल कह देने से शुरू होती है और मर्द के तीन बार तलाक कह देने पर खत्म हो जाते हैं। खत्म कहाँ होती है बुआ? शुरू होती है एक तलाकशुदा औरत की बेसहारा जिंदगी। तुम बहुत समझदार हो मिर्जा, जो मेरे बुलाने पर चले आते हो। तुम्हारे बुलाने पर मैं आखिरी बार आया हूँ नगमा। आखिरी बार यानी बेवकूफी करो? बेवकूफी तो मैं तुम्हारी बात मान मान कर करता रहा। एक ही उम्मीद थी कि तुम मुझे मेरी बेटी से मिलवाओगी, लेकिन तुमने हर बार मेरे जज्बात का मजाक बनाकर रख दिया। और तुमने मेरे जज्बात का मजाक बनाकर रखा है उसका कुछ नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया नगमा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। लंदन जाने के बाद मैंने तुम्हें कितने खत लिखे, तुमने एक खत का भी जवाब नहीं दिया। और वापस लौटने के बाद मैंने कहां कहां तुम्हें तलाशा, लेकिन अब तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी को तलाश करते रह जाओ। अगर मेरे बुलाने पर ना तो कभी तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं मिलेगी। जब से तुमने मुझे उसके बारे में बताया है, उसे मिलना तो क्या, उसे एक नजर देखने के लिए तड़प रहा हूं मैं। तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया और मेरे जज्बात से खिलवाड़ किया तुमने, पर अब तो लगता है कि बेटी महज एक बहाना है। तुम्हारा मकसद तो कुछ और ही है। ये भी हो सकता है कि हमारी कोई बेटी है ही नहीं। इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है। नगमा, अब मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाला। एक बात और, सामने वाला तभी डराता है जब कोई डर जाए, लेकिन अब मैं तुमसे डरने नहीं वाला, क्योंकि मुझे अपनी बेगम और हिना पे पूरा भरोसा है। अब मैं तुम्हारी किसी धमकी से नहीं डरने वाला नगमा। क्यों मिर्जा साहब, तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो गई, अगली बार तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। मैंने सोचा मिर्जा साहब घर पर मिलेंगी, इसलिए मैं उनसे मिलने चली आई। अगर थोड़ी देर पहले आती तो जरूर मिल लेती, लेकिन अब तो वो ऑफिस चले गए। आप चाहें तो उनसे फोन पर बात कर सकती हैं। नहीं हिना, ये बात फोन पर करने वाली नहीं है, मुझे उनकी मदद की जरूरत है। देखिए, वो आपके शौहर को ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनसे मिलने की वजह कोई और है। वो इतने मसरूफ रहते हैं, कहूँ तो कैसे कहूँ। आंटी, आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हाँ, ये काम मिर्जा साहब की बजाय तुम भी कर सकती हो। मैं? हाँ। ऐसा कौन सा काम है? मेरे शौहर की
एक बहुत बड़ी गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी है जो बरसों से बंद पड़ी थी। मैंने उसे वापस शुरू किया है। एक बहुत बड़ा असाइनमेंट भी मिला है, लेकिन मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं है। इस मौके को मैं खोना नहीं चाहती हूँ, वरना मेरे जीने का सहारा मुझसे दूर हो जाएगा। आंटी, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हिना, तुम इस बिजनेस को बाखूबी समझती हो, मेरा एक काम संभाल लो प्लीज। मैं? नगमा बेगम, हिना भला ऑफिस का काम क्यों नहीं? पहले अपने अब्बू का बिजनेस तुम ही संभालती थी ना? हाँ आंटी, लेकिन तब की बात तो और थी ना, अपनी बच्ची को छोड़कर मैं। प्लीज हिना, इनकार मत करो, वरना मेरा गुजारा कैसे चलेगा? दर दर की ठोकरें खाकर जीने से तो अच्छा है मर जाओ। क्या तुम यही चाहती हो? अगर तुम चाहो तो तुम्हें जितना परसेंटेज चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आंटी, बात परसेंटेज की नहीं है। आंटी, मैं जी रही हूँ तो सिर्फ महक के लिए। उसे छोड़कर कोई और काम करना ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। अरे, मैंने तुम्हें फोटो एल्बम बाहर लाने को कहा था और तुम होके यहीं बैठ गई। चलो मैं भी इन्हें देख लेती हूँ। अब्बू और अम्मी के 25वें सालगिरह में मैं उन्हें एक नायाब तोहफा देना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी उनकी पुरानी अच्छी सी तस्वीर को खूबसूरत से फ्रेम में डाल के उन्हें प्रेजेंट करूँ, कैसा रहेगा? अब्बा, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। इसे देखो, मेरे बचपन की तस्वीर। अरे हिना अब्बा, इसमें तो आप बिल्कुल महक जैसी लग रही हैं। अरे, मेरी बच्ची है, मेरे जैसे नहीं दिखेगी। अबू के साथ ये औरत कौन है तस्वीर में, और इसका चेहरा? जी अम्मी, क्या बात है, क्या सोच रही हो? अरे माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। अरे जोरों की भूख लगी, कुछ खिलाओ भाई। अरे वाह। अरे हिना, कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। अरे, हमारे हाथ के गरम गरम पराठे खा, भूख खुद ब खुद लग जाएगी। बुआ, मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हिना, बेटी मेरी खातिर कुछ तो खा लो ना।